बिहार, आर्यभट्ट, चाणक्य, बुद्ध, महावीर जैसे ना जाने कितने ही महान हस्तियों का राज्य। बिहार किसी समय में पूरी दुनिया में अपने ज्ञान, शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाने वाला राज्य। बिहार इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है। इसी पावन भूमि पर दुनिया के बहुत से हिस्से में लोग जब पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। और दोस्तों, मैं भी एक भारद्वाज आज इसी बिहार के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आम लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फैक्ट बर्नर्स यूट्यूब चैनल पे। और हर बार की तरह इस बार भी नई जानकारी लेकर आया हूँ नए टॉपिक से। और आज का टॉपिक है बिहार। तो आज दोस्तों हम भारत का महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के इतिहास, संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे। बिहार जैन और बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के साथ ही प्राचीन विशाल मगध साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध रहा, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। कवि कौकिल्य, विद्यापति तथा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली होने के साथ ही माता सीता की भी जन्मभूमि बिहार ही रहा है। इस प्रकार बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। वर्तमान में इसकी राजधानी पटना है। महात्मा बुद्ध की तपोस्थली होने के साथ ही यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के स्थान को विहार कहते हैं और इसी विहार से इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। और अगर ज्योग्राफिकली देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड स्थित है, वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। और दोस्तों, अगर बिहार की प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें गंगा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, क्यूल इत्यादि हैं। दोस्तों, प्राकृतिक तथा इतिहास ने भी बिहार को आशीर्वाद दिया है। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल भी स्थित हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व शांति स्तूप, शेरशाह सूरी सासाराम का मकबरा, अशोक स्तंभ वैशाली, जल मंदिर पावापुरी, बोधगया देव सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से भारतीय इतिहास में बिहार की अहम भूमिका रही है। पाषाण काल के चिरांद क्षेत्र में अवशेष मिले हैं। महाजनपद काल में मगध का विशेष महत्व था। उसके बाद मौर्य तथा गुप्त काल में भी बिहार राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। मध्यकालीन भारत के विश्वविद्यालयों में विक्रमशिला तथा नालंदा प्रमुख शिक्षा के केंद्र रहे हैं और अपनी ख्याति विश्व स्तर पर फैलाई। और फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों में बिहार के कई स्थान सम्मिलित रहे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार राज्य का आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार राज्य की स्थापना हुई। आगे चलकर 1936 में उड़ीसा को अलग करने के नया राज्य बनाया गया तथा सन 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में बिहार राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्यसभा के लिए बिहार में 16 सदस्यों का चुनाव होता है तथा 40 लोकसभा क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र बिहार में ही है। बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है, साथ ही उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी तथा अंगिका भी बोली जाती है। बिहार के एक तिहाई आबादी मैथिली भाषी है। बिहार की राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा मैथिली है। और बिहार के विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग सैकड़ों वर्ष पुरानी होने के बावजूद वर्तमान में भी अपने आकर्षक अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा हो या सेवा क्षेत्र की जगह हो, बिहार के लोगों ने अपना परचम लहराया है। और फ्रेंड्स, हाल ही में हिट मूवी सुपर 30 का संबंध भी बिहार से ही है, जहां सुपर 30 नामक एक कोचिंग संस्थान है जिसका उल्लेख अमेरिकी मैगजीन में भी किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।